तो आज हम लोग ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो समितियाँ मूलतः अस्थायी समितियों से भिन्न हैं। यानी कि ग्राम पंचायत में आप सभी जानते हैं कि 6 अस्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत की व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग अधिनियमों के अनुसार अलग अलग प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज के अंतर्गत गठित भूमि प्रबंधन समिति को अगर समझना है तो हमें दो चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। मूलतः एक तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम की धारा 28A, 28B, 28C और राजस्व संहिता अधिनियम और नियमावली। भूमि प्रबंधक समिति अलग से कोई समिति नहीं है, अपितु प्रधान और वार्ड मेंबर मिलकर के ही इस समिति का गठन करते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि इसमें जो सचिव होता है वो लेखपाल होता है। समिति की बैठक के लिए आवश्यक है कि समिति के प्रत्येक सदस्य को 3 दिन पूर्व लिखित में सूचना भेजी जाए। भूमि प्रबंधक समिति को साल में 3 बैठकें करनी पड़ती हैं। इस बैठक में जो उपस्थिति है कोरम के लिए वो कम से कम 50%, परंतु अगर बैठक में 50% सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते तो कोरम के अभाव में जब बैठक स्थगित हो जाती है तो ऐसे में अगले बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सदस्यों को बैठक की सूचना देनी पड़ती है। प्रधान की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्षता करने के लिए चुन लेते हैं। इस समिति के बैठक के लिए विशेष बैठक का भी प्रावधान किया गया है। इस विशेष बैठक में 1/3 सदस्य अगर लिखित रूप में प्रधान से अनुरोध करते हैं तो 10 दिन के अंदर उसको बैठक बुलानी पड़ती है। भूमि प्रबंधक समिति मूलतः क्या काम देखती है कि गांव में या ग्राम पंचायत में जो भी भूमि है जो ग्राम पंचायत की है उसका कैसे विकास किया जाए, उसका देखभाल कैसे किया जाए, उन लोगों को जो कमज़ोर हैं उनको आवंटन कैसे किया जाए। भूमि प्रबंधक समिति को आप देखेंगे कि 2 प्रकार की इसके लिए बैठकें हैं। एक बैठक जो यह नियमित करती है, दूसरे प्रकार की जो बैठक है वो मूलतः भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को अंजाम देता है। तो ग्राम पंचायत में अगर किसी तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से कम है तो वह सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर 0.5% से अधिक तालाब का क्षेत्रफल है तो ऐसे में भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के अनुमति से उस तालाब का आवंटन करती है। ये बैठक में अध्यक्ष जो है अपने विशेषाधिकार से किसी व्यक्ति को बुला सकता है जो उस बैठक में उपस्थित हो सकता है और अपनी बातों को रख सकता है जिसको कि इस संबंध में ज्ञान हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जब यह बैठक होती है तो इस बैठक की प्रक्रिया BPS पत्र 6 में लिखी जाती है। अगर देखें तो BPS पुराना पत्र 2 था, उसमें लिखी जाती है। अब हम लोग आते हैं इसी की एक उप समिति है, ग्राम राजस्व समिति। जब ग्राम पंचायत में भूमि प्रबंधक समिति पहली बैठक करती है तो उस बैठक में ग्राम राजस्व समिति का गठन किया जाता है। ग्राम राजस्व समिति में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इसमें भी प्रधान होता है, उपाध्यक्ष प्रायः जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है वो उपाध्यक्ष होता है। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि कोई व्यक्ति दूसरे पोजीशन पे नहीं है या निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया है तो ऐसे में 4 सदस्यों की नियुक्ति होती है और उसमें से 1 उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये एक ग्राम राजस्व समिति एक तरह से भूमि प्रबंधक समिति की सहायक समिति होती है और इसका एक तरह से मूलतः उद्देश्य यही है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने में, चाहे सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण या निर्णय लेने में समय लगता है, तो ऐसे में ग्राम राजस्व समिति अपनी बैठक करके और प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में भूगर्भ जल को बचाने के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम लाया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019, जो 2 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। ग्राम पंचायत स्तर पर जो समिति गठित की जाएगी उसमें प्रधान अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो सदस्य सचिव होगा और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य होंगे जो कि
खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित किए जाएं। समिति का मुख्यतः कार्य क्या है कि जल स्रोतों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना और उसके लिए योजना बनाना। इसके अलावा जो भी ऊपर से या अन्य इनको निर्देश प्राप्त होते हैं उसको क्रियान्वयन करना। यह समिति जब भी योजना बनाएगी तो उसमें खुद से यह प्रयास करेगी कि हम जल बचाने के लिए या जल संरक्षण के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय करें जैसे कि हमारा भूगर्भ का जल का जो स्तर है वो कम ना होने पाए। तो जाहिर सी बात है कि दैनिक जीवन में हम जो जल का प्रयोग या बर्बादी करते हैं उसको कैसे रोकें, इसको ध्यान में रखेगी। जो सिंचाई के संसाधन हैं, तरीके हैं, उसमें वैज्ञानिक पद्धति अपना करके कैसे जल को बचाएगी। जो बरसात का पानी होता है उसको कैसे संरक्षित करेगी। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत भी ग्राम पंचायत में वनाधिकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा की पहली बैठक में इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कम से कम 10 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। शर्त यह है कि इस समिति में 1/3 सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए, 1/3 सदस्य महिलाओं से संबंधित होने चाहिए, और अगर उस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति नहीं है तो महिलाएं कम से कम उस समिति की 1/3 होनी चाहिए। दूसरा, इस समिति का जो मुख्य कार्य है वह वनाधिकार से संबंधित दावा करने के लिए आवेदकों की सूची तैयार करना, उसका सत्यापन करना, और ये जो सत्यापन करने के दौरान जो भी दस्तावेज प्राप्त होते हैं उनका ठीक से रखरखाव करना। इसके बाद जब ग्राम सभा की बैठक हो तो उस बैठक में इन सारे साक्ष्यों के साथ उसको रखना और उस पर विचार विमर्श करना। सन 2018 में उत्तर प्रदेश में गंगा हरितमा अभियान की शुरुआत की गई। इसमें उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को लिया गया है जो गंगा के किनारे बसते हैं। दूसरा, इन जिलों के 1700 से अधिक ग्राम पंचायतों को इस अभियान में कवर किया गया है। मूल उद्देश्य यह है कि गंगा के किनारे के दोनों छोरों पर 1-1 किलोमीटर के दायरे में भूगर्भ को जल को रिचार्ज करने, प्रदूषण को कम करने और औषधीय पौधों को लगा करके हरियाली बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा जिससे गंगा के प्रदूषण को कम किया जा सके। तो जितने भी ग्राम पंचायत गंगा नदी के किनारे पर पड़ते हैं वहाँ पे ग्राम गंगा सेवा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, जो उस ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो सदस्य सचिव होता है। इस समिति में लेखपाल भी सदस्य होता है। जिलाधिकारी द्वारा अन्य विभागों के 2 कर्मियों को नामित किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं सहायता समूह के 1 महिला को इसमें नामित किया जाता है। इसके अलावा जिलाधिकारी ही द्वारा जो शैक्षिक संस्था है या इस तरह के अभियान में जो काम करने वाले लोग हैं उनको नामित करता है। इस तरह से मिला करके देखा जाए तो ग्राम गंगा सेवा समिति में अध्यक्ष को लेकर के 7 लोग होते हैं और इन 7 लोगों की मूलतः जिम्मेदारी यही बनती है, यानी एक समिति के रूप में, कि गंगा के किनारे अपने ग्राम पंचायतों के आसपास के दायरे में ठोस एवं द्रव अवशिष्ट प्रबंधन करें। जो हरितमा अभियान चल रहा है इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम या दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसको पूरा करें। उम्मीद है कि आप जब इन समितियों के बारे में सुने होंगे तो काफ़ी अस्पष्टता हुई होगी कि ये समिति कैसे गठित होती है, इनके काम क्या हैं, और ये इससे निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।